Very good evening, cadets. Welcome to the channel of Cadets Defense Academy. तो कैसे हो दोस्तों? तो आज इस वीक के लिए आज पहला टॉपिक है परसेंटेज का 01. इससे पहले हमने एवरेज किया 7 लेक्चर और एक मैराथन. इस पूरे वीक हम परसेंटेज का बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलेंगे. किसी भी बच्चे को परसेंटेज के टॉपिक में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली वाई ग्रुप को तो कभी नहीं आएगी. ठीक. ठीक है, तो फटाफट जुड़ दे. परसेंटेज का ये पहला लेक्चर है. बेसिक टू एडवांस परसेंटेज हम देखेंगे. कुछ वैल्यूज आपको इंपॉर्टेंट है वो जो बताई जाएगी, प्लस इसके परसेंटेज के 7 या 8 इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपको एग्जाम हॉल के लिए करना है. तो स्टार्ट करें दोस्तों. वेस्ट बंगाल भोजपुरी, बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है भोजपुरी और बंगाली. ठीक है, तो हमने के स्टार्ट करल जाओ. पूरे बिहार में भी 3 से 4 लैंग्वेज है, मैथिली, भोजपुरी, मगही. ठीक है, काफी खूबसूरत लैंग्वेज है बिहार का. और एक और मीठा लैंग्वेज है बंगाल का, बंगाली भी. सभी राज्य का लैंग्वेज काफी अच्छा है. भारत बहुत ही विभिन्न देश, विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों से बना हुआ है. ठीक है, तो परसेंटेज का 01 लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो परसेंटेज का कंसेप्ट क्या, परसेंटेज निकलता कैसे बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि प्रतिशत निकलता कैसे. तो प्रतिशत 2 तरीकों से निकलता है, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है. परसेंटेज निकलता है या तो टोटल पर, इधर परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल, या फिर परसेंटेज निकलता है ओरिजिनल पर. ठीक है, पहले हल्का सा कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे और सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे. ठीक है, परसेंटेज 2 तरीकों से निकलता है, या तो टोटल पे परसेंटेज निकलेगा या फिर ओरिजिनल पर निकलेगा. टोटल पर निकलने का मतलब अगर किसी चीज की प्रतिशतता पूछी जाए या फिर पूछी जाए कि उसकी औकात कितनी है, तो उसका कितना परसेंटेज है, तो वो टोटल पर निकलेगा. लेट कंसिडर कि किसी क्लास में बॉयज की संख्या 18 है और गर्ल्स की संख्या 12 है. तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी. तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में बॉयज का परसेंटेज पूछे कि बॉयज का परसेंटेज क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? बॉयज कह रहे हैं हमारी संख्या कितनी है, 18. परसेंटेज किसी का प्रतिशतता निकालना किस पर निकलता है, तो टोटल पर निकलता है. लड़के कह रहे हैं हम 18 हैं, कितने में से? 18 + 12 30 लोगों में से. तो 18 लड़के 30 लोगों में से गुना क्या कर दिया, 100. तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, मैं 0 0 कट जाएगा, 3 से काटा 6 बार में. तो मैं बोल सकता हूं कि इस क्लास में 60% लड़के हैं. तो किसी चीज का प्रतिशतता निकालना होगा तो आउट ऑफ टोटल पे निकालेंगे दोस्तों. परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल या फिर ओरिजिनल. टोटल पे इस तरीके से निकलेगा. ओरिजिनल पर कैसे निकलेगा? तो कभी भी कोई भी परसेंटेज का जो चेंज होगा वो ओरिजिनल पर देखी जाएगी. मान लो किसी की सैलरी 3000 थी, अगले की सैलरी 3500 हो गई. तो अगर आपसे पूछे कि कितना परसेंट बढ़ गया, तो परसेंटेज का चेंज कितना हुआ, तो कोई चीज 3000 से 3300 हो गया, तो वो 300 की वृद्धि हो गई. कहां से? तो ये प्रतिशतता का जो परिवर्तन देखते हैं हम ओरिजिनल वैल्यू पर देखते हैं. इंक्रीमेंट 300 का हुआ, कहां से? तो 3000 से मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया. तो 000 और 000 कैंसल हो गया, कितना आ गया आपका, 10% का चेंज हुआ है. तो परसेंटेज आपसे कभी भी पूछेगा तो 2 तरीके से पूछेगा. किसी चीज का परसेंटेज निकालना होगा तो आउट ऑफ टोटल पर निकालिएगा. कभी भी परसेंटेज का चेंज देखना होगा प्यारे बच्चों, तो किस पर देखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पर देखेंगे. ये परसेंटेज का 2 कंसेप्ट है. ठीक है, आज जो हम कंसेप्ट लेकर आए, 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आए. एक परसेंटेज का चेंज देखेंगे, दूसरा आज हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं प्राइस और कंजप्शन का. ठीक है, प्राइस और कंजप्शन का कंसेप्ट बड़े एग्जाम में बहुत बखूबी से पूछता है, तो वो भी हम वाई ग्रुप के एग्जाम्स में के लिए देखेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है. पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, फटाफट उड़ाएंगे पहला क्वेश्चन. ये
क्या कह रहा है, इफ बी इज 25% मोर देन ए देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। यदि बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से कितना परसेंट। ठीक है, ये करने के दो तरीके, पहला तरीका आपको बता देता हूं, दूसरा आप एग्जाम में क्या कर सकते हो वो भी मैं अप्रोच बताऊंगा, एग्जाम का अप्रोच क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बी इज 25% मोर देन ए, बी बड़ा है किससे, ए से, तो ए की जो भी वैल्यू होगी उससे 25% कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है। तो लेट कंसिडर, अगर बी बी इज 25% मोर देन ए, अगर ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा आपका 125 होगा। क्लियर है, 25% ज्यादा तो 100 पे, रेशियो से भी देख सकता हूं इसको। बी कह रहा है कि मैं ए से 25% ज्यादा हूं, 25% ज्यादा मतलब तू अगर 100 होगा, हे ए तू अगर 100 होगा तो मैं तुझसे 25% ज्यादा 125 होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, रेशियो से बना सकता हूं 4 और 5 का। कोई बंदा ये रेशियो इस तरीके से ना करके डायरेक्टली वो बोलता कि सर ऐसा है कि 25% तो 1/4 होता है, और बी ने बोला कि मैं ए से 1/4 जाऊं तो ज्यादा तो प्लस कर दो, बी ज्यादा है किससे, ए से, तो हे ए अगर तू 4 होगा तो तेरा 25 एक होता है, ज्यादा कितना हो गया आपका 5 हो गया। इस तरीके से कम बोलता तो मैं माइनस कर देता, 4 और 3 लिखता। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी तो ए से 25% ज्यादा हो गया, अब ए बी से कितने परसेंट कम है। तो देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी से कितने परसेंट कम है। ये सीढ़ी नहीं है कि 10 सीढ़ी ऊपर और 10 सीढ़ी नीचे, ये परसेंटेज है। जब आप वैल्यू बढ़ाते हो तो यहां से, और जब वैल्यू कम करोगे तो यहां से, इसकी 25% और इसका 25% दोनों अलग अलग मान होता है। तो ध्यान रखना, ये सीढ़ी नहीं है कि यहां से 20 सीढ़ी गए तो ऊपर चले गए और 20 सीढ़ी नीचे आए तो यहीं आ गए, ये परसेंटेज है, परसेंटेज पे चेंज डिफरेंट हो जाता है। तो बी ने बोला कि मैं ए से 25% ज्यादा हूं, तो 4 और 5 का रेशियो निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो हे ए तू बी से कितना कम है, तो ए की वैल्यू जो है वो बी से कम कितनी है, तो कम कितना है, तो ए कम है। कितने प्रतिशत कम है, तो देखो ध्यान से परसेंटेज में कितना कम होगा, तो ए जो है वो बी से 1 कम है। तुलना किससे बोल रहा है, ए बी से, बी की वैल्यू कितनी है, 5 गुना क्या हो गया आपका 100%, निकालने के लिए गुना 100 कर दिया तो कितना 20% कम है। एक बार फिर से देखेंगे और एग्जाम का अप्रोच भी समझेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है। प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी देख लेंगे, इसी पे पैटर्न धड़धड़ाते हुए चले जाएंगे, और आज हम प्राइस और कंजप्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो देखेंगे। डेली धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और फिर इस पर 2 मैराथन भी चलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, B is 25% more than A, B 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा, तो तू 4 तो मैं 5। अब कह रहा है A B से कितने प्रतिशत कम है, A B से, किससे, B से कितना कम है, जिससे तुलना बोला वो नीचे आएगा, उसके रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो A जो है वो B से कितना कम है, तो 1 कम है, किससे, तो B से, तो B नीचे आ गया, गुना 100 तो 20% कम है। एक तरीका ये है। एग्जाम में इसमें आप क्या अप्रोच करते प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, एग्जाम का अप्रोच ये है कि आप एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्म लिख सकते हो, P अपॉन में 100 + -P × 100। ये इससे इतना कम, वो इससे कितना ज्यादा के लिए आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। P क्या है, तो गिवन परसेंटेज जो दे रखा है। किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से, ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया। अब एग्जाम हॉल के लिए आप क्या कर सकते हो, If B is 25% की बात की गई तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, अपॉन में क्या होगा आपका 100, यहां कितना आ गया 25 और यहां कितना हो गया 100 हो गया। अब यहां प्लस करना है कि माइनस यूज करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ध्यान से, उसने बोला इफ B is 25% मोर, यदि B A से 25% अधिक, अगर मोर बोल दिया या इंक्रीज्ड वैल्यू दे रखा है तो क्या करोगे आप, प्लस करोगे। अगर यहां लेस बोला होता तो मैं क्या करता, माइनस करता। ठीक है, तो क्या हो गया ये, तो 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, 25 125 को खा जाएगा 5 बार में, 500 को छोड़ेगा नहीं कितनी बार में, 20 बार में। तो भैया वो उससे कितना कम है, 20%, वो उससे 25% ज्यादा है लेकिन वो उससे 20% कम है। तो 2 अल्टरनेट तरीका बता दिया मैंने आपको। एग्जाम में डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पी अपॉन में 100 + -P × 100। ठीक है, तो पी अपॉन में 100 + -P, तो ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या किया, वो बोला कि इफ बी इज 25% मोर, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, मोर बोला तो नीचे प्लस का साइन यूज कर देना, तो 100 + 25 कितना हो गया, 125 × 100, तो कितना हो गया आपका, 20% कम होगा, तो आंसर इज 20%। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाक से मन मन में दे, अगले क्वेश्चन का आंसर मन मन में दे, अगले क्वेश्चन का आंसर फटाक से मन मन में।
दोस्तों फटाक छुड़ाओ। बनवीर चौहान एवरेज की 150 की शीट आपको मिलेगी और उसके मॉक्स भी चलते रहेंगे। ऋतिक रंजन का सबसे पहले आया 33.33। फटाक से आंसर दो। लव यू टू है, लव यू टू दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स अर्न्स 25% लेस देन वाई, देन व्हाट परसेंट मोर डज वाई अर्न देन एक्स। या तो मैं ट्रेडिशनल से कर लूं, या तो फिर अभी मैंने बताया था कि पी अपॉन में 100 प्लस माइनस पी इंटू 100 कर दो। ये परिवर्तन के सारे क्वेश्चन, ये परिवर्तन के चार पैटर्न होते हैं, इस परिवर्तन के चारों पैटर्न अभी बताऊंगा, चारों मन मन में मुंह जवानी हो जाएगा। उसने क्या बोला, इफ एक्स अर्न्स 25% तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, अपॉन में 100 के साथ प्लस टू की माइनस। इसने क्या बोला, इफ एक्स अर्न्स 25% लेस, यदि एक्स वाई से 25% कम बोल दिया उसने, तो कम बोला तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पी की वैल्यू तो 25 थी गुना 100, तो 25 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100, ये कैंसिल करो। ठीक है, ये कितना दे रखा था, देखो ध्यान से, पी की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, तो पी की वैल्यू है आपका, तो पी की वैल्यू आ गई 25 अपॉन में 100 माइनस पी, तो 100 माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 25 गुना 100, ये कितना हो गया आपका 25 बटा 75 गुना कितना हो गया 100, ये 25 इस 75 को खा जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो 100 बाई 3 कितना हुआ, तो 100 बटा 3 निकल कर आया आपका 33.13% या फिर 33.33%, तो 33.33% इज द आंसर। फटाफट बताए किसका किसका आंसर आया, बी बी फटाफट 33.33%। तो ये पूरे पैटर्न के लिए पी अपॉन में 100 प्लस माइनस पी इंटू 100, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला क्वेश्चन है, इसके चार इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैं तुझसे इतना ज्यादा तो तू मुझसे कितना कम, मैं तुझसे इतना कम तो तू मुझसे कितना ज्यादा, तो उसके लिए आप ये डायरेक्टली कर सकते हो, पी अपॉन में 100 प्लस माइनस, प्लस लोगे कि माइनस लोगे ये डिपेंड इस पे करेगा कि पहले लाइन में स्टार्टिंग में बोला क्या, इफ एक्स अर्न्स 25% लेस बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन राय, मैं ट्रेडिशनल भी बताऊंगा, एग्जाम का अप्रोच भी बताऊंगा दोस्तों, ट्रेडिशनल भी और एग्जाम का अप्रोच भी, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर रहे और एग्जाम हॉल के लिए आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी मेंटेन रहे, दोनों बातें करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, और कोई पार्शियलिटी किसी भी टॉपिक में नहीं होगा, बेसिक से लेकर एडवांस सारे क्वेश्चंस होंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भेज दीजिएगा, आपके डाउट्स कलेक्ट किए जाएंगे और पूरे वीक का डाउट्स एक साथ बताया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल में भी है, तो आप वहां से नंबर लेकर उस पर अपने क्वेश्चंस डाउट्स भेज सकते हैं, सारे डाउट्स कलेक्ट करके शुक्रवार के शाम डाउट्स सवालों के नाम करा जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे देखेंगे। अब यहां देखो ध्यान से, पहले इसका ट्रेडिशनल समझेंगे बच्चा, पहले इसका ट्रेडिशनल समझेंगे, ए सी ए सी आर है, 25 आंसर आया, देखते हैं पहले इसका ट्रेडिशनल समझो भैया, ध्यान देना क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस्ड, भैया प्याज का दाम कम हो गया 20%, अगर प्याज का दाम कम हो गया तो क्या कह रहा, हाउ मच परसेंट द कंजप्शन, उसके खपत को कितना बढ़ाया जाए ताकि एक्सपेंडिचर समान रहे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, यहां से कुछ भी आप रट के नहीं जाओगे, हमेशा के लिए चलेगा, ध्यान रखना वाई ग्रुप वालों, आप कोई भी एग्जाम दे दो हर एग्जाम में क्वांट टकराएगा, तो एक ही बार पढ़ना है, गाड़ कर पढ़ना है, कंसेप्ट गाड़ कर पढ़ा जाता है। देखो ध्यान से भैया, प्राइस और कंजप्शन में कोई रिलेशन नहीं होता, किसी चीज के मूल्य में और उसके खपत में कैसा भी कुछ भी रिलेशन नहीं होता, मेरी मर्जी है मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्याज का दाम बढ़ेगा तो मैं और चिकन बनाऊंगा, मैं बोला प्याज बढ़ेगा कोई बात नहीं, तेरा भाई पकौड़े खाएगा प्याज के, कोई रिलेशन नहीं है प्राइस और खपत में, ध्यान रखना इस बात को, गलत कंसेप्ट है कि इनके बीच में रिलेशन, ना 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 ना, प्याज का दाम बढ़ेगा मैं ज्यादा पकौड़े खाऊंगा, मेरी मर्जी मैं पकौड़े खाऊंगा, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है या फिर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तब इनके बीच में रिलेशन है। पापा ने बोल दिया ऐसा है कि पूरे महीने में घर में 200 रुपए का प्याज आएगा, पापा एकदम जिद्दी, मेरे पापा जिद्दी बोलते, ना बेटा मुझे नहीं पता, प्याज के नाम के 200 रुपए खर्च होंगे,
पापा ने एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर दिया। हे पापा आपने कम, आप जिद्दी हो रखे। पापा 200 से टस से मस नहीं हो रहे। बोले ना बिल्कुल भी नहीं, प्याज के दाम पे 200। पापा ने एक्सपेंडिचर को कर दिया कांस्टेंट। देखो पहले 20 रुपए किलो अगर प्याज आता था तो 200 रुपए में मेरे पास 10 किलो प्याज आते थे। अब मान लो प्याज अगर 100 रुपए किलो हो गए तो मेरे पास कितने आएंगे, तो मात्र 2 किलो आएंगे। मतलब जब 20 रुपए से 100 रुपए हो गया, दाम बढ़ गया, तो खपत क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब प्राइस और कंजप्शन में कुछ रिलेशन नहीं होता, लेकिन जब जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है उस केस में प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। दोनों में व्युत्क्रम वाला रिलेशन होता है दोस्त, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। किसी चीज का प्याज का दाम अगर बढ़ता है तो उसकी खपत कम हो जाती है। आज इसी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे है, धागा खोल देने वाले क्वेश्चन, SSC जैसे बड़े एग्जाम के धागा खोल देने वाला कंसेप्ट आगे निकलने वाले, आगे आएंगे, अभी देखेंगे। अभी तो ये हलवा क्वेश्चन है, आगे हम देखेंगे इस पर क्या आने वाला है। तो भैया किसी चीज का दाम बढ़ता है तो उसकी खपत कम हो जाती है, कब, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है। तो दोनों में व्युत्क्रम का रिलेशन है। तो पहले इसका ट्रेडिशनल समझेंगे आप, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम ऊपर ऊपर से मन मन में उड़ाएंगे। 3 सेकंड का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से किस तरीके से। प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस्ड बाय 20%। भैया प्याज का दाम 20% कम हो गया, मतलब पहले और ये अब प्यारे बच्चों ये ट्रेडिशनल तरीका है। 20% कम हो जाना मतलब हे 20% तू कितना, पूछो इससे, इनने बोला मैं तो 1/5 हूं। 1/5 कम हो जाना मतलब जो दाम, जो प्राइस या जो मूल्य पहले 5 रुपए था, अब वो मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। क्लियर है भाई? अरे 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, मतलब दाम 5 से 4 हो गया। अगर किसी चीज की दाम कम हो गई और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो उसका जो कंजप्शन होगा वो बढ़ जाएगा। दाम कम हो गया तो खपत क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। एकदम रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी, ध्यान से देखेंगे प्यारे। भैया एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस और कंजप्शन में व्युत्क्रम का रिलेशन है, चीजें घूम जाएगी। दाम कम हो गया चीजों का, अगर प्याज का दाम 5 रुपए से 4 रुपए हो गया तो उसकी खपत कितनी बढ़ गई, 4 से 5 हो गए। क्वेश्चन ने बोला ये बताओ उसके कंजप्शन में क्या इफेक्ट आएगा, तो हे खपत तेरे में क्या इफेक्ट आया। तो खपत ने बोला बाबूजी पहले दाम जब महंगा था ना तो आप 4 किलो खपत करते थे, अब जब सस्ता हो गया ना तो खपत कितनी हो गई, 5 किलो गई। खपत 4 से 5 हो गया, तो खपत में परिवर्तन कितना हुआ, खपत बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 कहां से, परसेंटेज का चेंज हम प्रीवियस मान पर देखते हैं। तो जो खपत पहले 4 था वो 5 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1/4 × 100, तो खपत 25% इंक्रीज हो गया। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, इसे हम मन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम का तरीका ये मत करना फॉलो। एग्जाम में कैसे करेंगे हम बताएंगे, पहले इस कंसेप्ट को गाड़ लो हमेशा के लिए, थप्पा मार दो, अपना बना लो हमेशा के लिए, फिर आराम से जांग पर हाथ ताल ठोकते हुए लड़ जाना किसी भी एग्जाम से। क्या SSC, क्या CGL, क्या NDS, NDA, क्या CDS, NDA में तो खैर नहीं आता है, क्या CDS, क्या FCAT, क्या असिस्टेंट कमांडेंट, क्या CSAT, कुछ भी हो, ठोकते चले जाओ, गाड़ते चले जाओ एक एक कंसेप्ट को। ध्यान दोगे बच्चा, दाम 20% कम हो गया, 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, मतलब 5 रुपए से दाम 4 रुपए हो गए। दाम अगर 5 से 4 हुआ तो खपत क्या होगा, 4 से 5 हो जाएगा, है ना, खपत उल्टा होगा भाई। तो खपत जो पहले 4 था अब 5 हो गया है, खपत वृद्धि हो गई। किसी चीज की दाम कम हुई खपत बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1, कहां से, प्रीवियस खपत क्या था, 4, तो 1/4 × 100, 25% का इंक्रीमेंट हो गया। एक तरीका तो यह है। अमन सिंह मां भवानी की सौगंध, होमवर्क जरूर दूंगा, और बता, ठीक है, 20 होगा सर, हाँ वेरी गुड, 20 क्यों होगा मेरे भाई, 20 नहीं होगा, ना 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 और ना, 20 तो कतई नहीं होगा, ठीक है। फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूं बच्चा, फिर से देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजप्शन में उल्टा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम। दाम 20% कम हो गया, दाम 20% कम हो गया, 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, मतलब जो दाम 5 रुपए था अब दाम 4 रुपए हो गए प्याज के। प्याज का दाम अगर कम हो गया तो प्याज का खपत बढ़ गई, 4 से क्या हो गया, 5, उल्टा रेशियो हो गया।
कितना बड़ा खपत, तो एक बढ़ गया कहां से 400 गुना। सो एक तरीका ये है, बट एग्जाम हॉल में हम ये ना फॉलो करते हुए हम डायरेक्टली अभी करेंगे चेंज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको एग्जाम में बिना पेन उठाए किस मेथड से उड़ा देंगे, पी अपॉन में 100 + - p × 100। हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, आसान है यूज करना, ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस्ड, कम बोल दिया, कितना 20%, बस p की वैल्यू उतार दो कितना हुआ 20, और रिड्यूस्ड बोला तो क्या करेंगे 100 + - - क्योंकि रिड्यूस्ड बोल रखा है, स्टार्टिंग में क्या बोला कमी हो गई स्टार्टिंग वाला लाइन, तो नीचे कौन आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 कैसे आएगा p की वैल्यू ये परसेंटेज है 20 अपॉन में क्या होगा आपका 100 - 20 80 हो गया गुना 100, 20 ने इसको मारा धड़ कितनी बार में, 4 बार में, 4 कह रहा मैं छोड़ने का नहीं, से मैं बोला कितनी बार में खाएगा, बोला 25 बार में डकार मार जाऊंगा मैं, मतलब मार दे, कितना होगा आपका 25%, 25%, क्लियर है, जिसका जिसका क्लियर है एक बार दिल फेंक के मार दो, फटाक से ठोक दो, ठोको फटाक से, फिर उड़ाते जाएंगे। और अभी इंतजार करो, आज का क्वेश्चन तो कातिल होने वाला है, आज का एक क्वेश्चन बहुत कातिल होने वाला है। नन होगा जनाब, नन कैसे होगा जनाब, क्यों, अच्छा 25% है, अच्छा तो ऑप्शन नहीं है तो 25% होमवर्क जरूर उड़ाओ, क्वेश्चन उड़ाओ ऊपर से फड़ाक से उड़ाओ, अरे बिना पेन उठाओ उठाओ, तुम लोगों को अपने अपने इष्ट देवता की कसम है ऊपर से उड़ाओ, अरे बोर्ड पे देखो और ऊपर से उड़ाओ, अरे ऊपर से उड़ाओ मेरे दोस्तों। The consumption of rice, क्या दे रखा है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि, the consumption of rice increased है ये, increased by 10%, by how much percent should the consumption of rice be reduced? ठीक है, हिंदी में लिख रखा है, देखो ध्यान से, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, चावल का मूल्य 10% बढ़ गया, डायरेक्टली करो पी बाई 100 + - p × 100, चावल का मूल्य कितना बढ़ा दोस्तों, तो चावल के मूल्य में 10% पी का मान आ चुका है 10%, तो पी का मान 10 अपॉन में चावल का मूल्य में वृद्धि हुई थी, वृद्धि हुई थी तो प्लस कर दो, तो 100 + 10 कितना हो जाएगा 110 × 100, भैया 0 0 कट गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, 100 / 11% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, चावल का मूल्य 10% बढ़ रहा था तो उसके खपत में 100 / 11% की कमी हो जाएगी, 100 / 11% कितना होता है 91 / 11% बोल दो, या फिर उसको 9.09% भी बोलते हैं, ये बेस वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसे नोट कर लो, 91 / 11% या फिर 9.09% की कमी हो जाएगी, 9.09% इज द आंसर, 9.09% इज द आंसर, बी 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 बी, वेरी गुड, बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन बेहतरीन, 9.09%। अगला क्वेश्चन हो रहा है फटाक से, फिर से क्या किया था उसने, चावल का मूल्य 10% इंक्रीज किया था, वृद्धि हो जाती है, चावल का मूल्य 10% वृद्धि हुआ था तो पी का मान 10 हुआ अपॉन में, ट्रेडिशनल इससे पहले क्वेश्चन में मैंने दिखा रखा है, एग्जाम में यही उड़ाना, आगे बढ़े, चौथा फॉर्म फोड़े से, बच्चा दोनों में कंजप्शन नहीं था, प्राइस था बच्चा, है ना, ऊपर वाले इंग्लिश में प्राइस लिखा हुआ था, हिंदी में देख लीजिएगा, उड़ा दे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ ब्रेथ विल बी चेंज सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। भैया लेंथ में और ब्रेथ में कोई रिलेशन नहीं होता, लंबाई चौड़ाई से इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर रूम की एरिया को कांस्टेंट रखते हो, अगर एरिया कांस्टेंट है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो उस केस में लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे आप समझ लो, अभी दिख जाएगा आपको, ये मान लो रूम की लंबाई है कितनी है, मान लो 150 है और इसकी चौड़ाई कितनी है तो 10 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, हो जाएगा भैया लंबाई गुना चौड़ाई,
अब मान लो आपने रूम की लंबाई को कर दी कम, मान लो आपने रूम की लंबाई को कर दी 150 से 100 कर दी, और आप चाहते हो कि एरिया अभी भी 1500 रहे, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने रूम की लंबाई को 150 से 100 कर दिया, उसकी चौड़ाई 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 15 हो गई। कब? जब एरिया कॉन्स्टेंट होगा तब। लंबाई और चौड़ाई में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों भिन्न 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 है। मैं रूम की लंबाई कितनी भी रख सकता हूं, चौड़ाई मेरी मर्जी है, लेकिन अगर एरिया कॉन्स्टेंट है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पहले लंबाई 150 चौड़ाई 10, 150 गुना 10 कितना हुआ 1500, अब भी मुझे एरिया 1500 ही रखना है, लेकिन मैंने लंबाई को 150 से 100 कर दिया, तो भैया चौड़ाई कितना होगा 15 हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा, चौड़ाई क्या हुआ 10 से 15 हो गया, बढ़ गया चौड़ाई, क्यों? क्योंकि लंबाई कम हो चुका था। तो लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन क्या होता है व्युत्क्रम का, कब? जब एरिया कॉन्स्टेंट हो। तो भैया डायरेक्टली कर देंगे हम, या तो ट्रेडिशनल से समझ लो, लंबाई कितना चेंज किया बताओ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% कितना होता है, तो 20% इज 1/5, लंबाई को क्या कर दिया उसने 5 से कितना कर दिया 6 कर दिया, ये किसकी बात हो रही है, लेंथ की। तो उसका ब्रेथ क्या होगा, तो उसका ब्रेथ 5 से 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, एरिया भी सेम है, पहले की लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी थी 6, तो पहले एरिया 30 था, अब भी एरिया कितना है 30 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये पहले लंबाई थी 5 और अब लंबाई है 6, पहले चौड़ाई थी 6 अब लंबाई है 5, एरिया 6 × 30, 6 × 30, तो क्या चेंज आया, तो चेंज क्या आया, एक की कमी हो गई चौड़ाई में, 6 से गुना 100 कितना हो गया आपका 16 × 3%, ये ना करके डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे, इस जगह वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली किस में पुट करेंगे बच्चा, तो पी अपॉन में 100 प्लस माइनस पी इंटू 100, एरिया कांस्टेंट है, कांस्टेंट एरिया पर लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे बच्चा। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, लंबाई को 20% बढ़ा दिया, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, अपॉन में इंक्रीज बोला था तो कितना हो जाएगा नीचे 100 प्लस 20 कितना होगा 120 गुना क्या हो गया आपका 100, 20 खा जाएगा इसको 6 बार में, 100/6 कितना होगा आपका 16 × 3%, तो भैया उसकी चौड़ाई को 16 × 2/3% कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, इट शुड बी रिड्यूसेस बाय, इट रिड्यूसेस बाय 16 × 3%, 16.66%, 16.66%, 16.66% की कमी हो जाएगी, ठीक है, 16 × 2/3%। पीडीएफ अपलोड हो चुका है बच्चा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, अब परसेंटेज स्टार्ट हुआ है, एवरेज का तो ऑलरेडी सारे पीडीएफ मिले ही होंगे आपको, 150 क्वेश्चन वाला नहीं मिला होगा आपको, ठीक है, बाकी तो सारे मिले ही हैं, इसके भी आज होमवर्क के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, क्लास के बाद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उड़ा दो बच्चे इस क्वेश्चन को ऊपर से, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 16 × 3%, 16 सही 2/3% कितना होता है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है ये, 16 सही 2/3% क्या होगा, 16 × 3 = 48 + 2, ये 50/3% है, परसेंटेज के नाम का नीचे 100 आता है, 50 से कट गया कितनी बार में, 2 बार में, तो ये कितना होगा 1/6 होता है, 16 × 3% बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू 1/6, इसी का दुगना मतलब इसके जो पिताजी होते हैं वो 33 1/3% 1/3 होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बोल दिया, तो जो लेंथ होगा वो कितना हो गया होगा, लेंथ 6 से कितना हो गया होगा आपका 5 हो गया होगा, 1/6 की कमी कह रहा है वो, 16 × 2/3% कम हो जाना मतलब 1/6 कम हो जाना, तो जो लंबाई 6 थी आज वो 5 हो गई, लंबाई अगर 6 से 5 हो गई होगी तो चौड़ाई क्या हो गई होगी, चौड़ाई आपका 5 से 6 हो गया होगा, उल्टा रिलेशन आया होगा, क्योंकि जब एरिया कांस्टेंट होता है तो लंबाई और चौड़ाई में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो लंबाई 6 से 5 हो गई कम हो गई, चौड़ाई 5 से 6 हो गई होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो मैंने चौड़ाई से पूछा हाँ भाई कितना बढ़ा, चौड़ाई ने बोला कि बाबूजी ऐसा है कि पहले मैं 5 था आज मैं 6 हो गया,
बढ़ा कितना में, तो एक बढ़ गया, कहां से, तो 5 से गुना 100, तो चौड़ाई जो है वो इंक्रीज कर चुकी है, कितनी इंक्रीज कर चुकी है, 5 से कोई चीज 6 हो रही है, तो वृद्धि कितने की, 1 की 5 पर गुना 100, तो कितना हो गया आपका, तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो चौड़ाई 20% इंक्रीमेंट। जिसका जिसका आंसर है फटाक से बताएं, फटाक से बताएं, कितने लोग का आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 20%, इट इंक्रीजेस बाय 20%, तो 20% की वृद्धि हो गई, 20%। शुभम जरूर, शुभम सिंह आपकी बात जरूर मानी जाएगी, ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, लंबाई कम हुआ इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते थे, पी अपॉन में 100 प्लस माइनस पी इंटू 100 होगा, लंबाई में क्या हुआ था, कमी हुई थी, कितने की, 1 की, ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर का परसेंटेज होता है, तो कमी कितने की हुई थी, तो पी का मान 1 रख दिया, कम कर दो, तो पहले कमी कह रहा था, तो 6 माइनस 1 कितना होगा, 5 इंटू 100 हो गया आपका, तो कितना आंसर आया, अब तो 20% बढ़ गया। फिर से एक बार देख लो ध्यान से बच्चा, या तो मैं इस तरीके से सोच लूंगा, 16 2/3% की कमी, मतलब 1/6 की कमी, तो कितना कम हुआ, तो 1/6 कम हुआ, तो 1 की कमी हो गई, अपॉन में नीचे आएगा प्लस की माइनस, स्टार्टिंग में ऑलरेडी वो कह रहा है कि 20% 16 2/3% की कमी हुई है, तो कमी है तो माइनस कर दो, 1 माइनस 6 कितना हो गया आपका, तो 5 आ गया, गुना 100, तो 20% की वृद्धि होगी, या तो रेसिप्रोकल से कर लो या फिर डायरेक्टली कर लो, ठीक, ठीक है। अब यहां से आते हैं सीजल के धागा खोलने वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये पैटर्न देखने से पहले इसका कंसेप्ट समझ लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, हर बड़े एग्जाम में टकराता है। आज आपको मैंने दिया है वाई ग्रुप का पहला क्वेश्चन था, पहला दिन है आज परसेंटेज का, तो उसका ये बेसिक हमने 6 क्वेश्चन देख लिया। अब समझो, आपको ये बात पता है कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा, तो उसका कंजप्शन जो होता है, उसका कंजप्शन जो होता है कम हो जाता है, कब, जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है। आप खर्चा करना ही नहीं चाह रहे, टंकी में आपको पता है कि 500 रुपए की पेट्रोल में टंकी मेरा भर जाता है, 500 रुपए में पेट्रोल की टंकी भर जाती है आपकी, आप 500 रुपए दे दो टंकी भर जाता है, आज पता चला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो अगर आप उसको 500 रुपए दोगे तो वो आपको टंकी भर के नहीं देगा, वो बोलेगा भाऊजी और चाहिए, मैं बोला क्यों, कल तो टंकी भरा था 500 में, बोला भाऊ साहब ऐसा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो खपत कम हो जाएगी, उल्टा 500 रुपए में टंकी भर देता था मैं, आज मैं गया 500 को बोला भैया टंकी भर दे, पेट्रोल का दाम हो चुका है कम, जो टंकी 500 में भरती थी अब वो 500 से कम में भर जाएगी, तो अगर मैं उसको फिर भी 500 दूंगा ना, तो टंकी के साथ साथ मुझे बॉटल में भी देगा पेट्रोल, तो भैया प्राइस और कंजप्शन में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, किसी चीज की प्राइस बढ़ने पर उसकी खपत कम हो जाती है, कब, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब टकराने वाला है, यहां से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, डेडली इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डेडली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, फोड़ना चालू करेंगे अब यहां से, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अप्रोच करेंगे दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ सुगर डिक्रीजेस बाय 20% देन अ पर्सन कैन बाय 5 kg मोर सुगर, द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फाइंड द इनिशियल कंजप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया चीनी का दाम 20% कम हो गया, तो एक व्यक्ति पहले से 5 किलो चीनी अधिक खरीदता, बात एकदम सही है, चीनी का दाम अगर कम होगा तो ज्यादा चीनी तो आएगा ही आएगा, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चा, ये पहले की बात हो रही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़े एग्जाम में टकराता है ये, और ये प्रेजेंट की बात है, पहले की बात और ये प्रेजेंट की बात, चीनी का जो दाम है वो कितना परसेंट कह रहा, तो 20% कम हो गया, 20% है, 20% तू कितना है, ये बोला मैं तो 1/5, तो चीनी का दाम अगर 1/5 कम हो रहा है, इसका मतलब ये है, बोर्ड पर ध्यान देना, निगाहें बोर्ड पर, 1/5 कम हो जाना, मतलब जो दाम पहले 5 रुपए था आज वो दाम कितना हो गया भैया, तो दाम कम हो गया तो 4 हो गया, क्लियर होगा ये, 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, मतलब 5 से 1 कम हो चुका है,
ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले का 20% है, तो पहले दाम 5 था तो अब 4 हो गया है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो दाम किसी चीज की तो कम होगी और तुम उतने ही पैसे दे रहे हो। बोला नहीं भैया मुझे इतने ही रुपए खर्च करने हैं, किसी चीज की दाम भी कम हो गई और आप उतने ही पैसे फेंक रहे हो। तो अब उसका जो कंजप्शन है उसका कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंजप्शन कितना हो जाएगा भैया, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का रिलेशन है, खपत बढ़ गई, दाम कम हुआ खपत बढ़ गई। तो मेरे हिसाब से खपत में वृद्धि कितनी हो गई, तो पहले जो खपत 4 था इनिशियल, आज वो कितना हो चुका है, 5। तो हे खपत तू कितना बढ़ा, तो खपत बढ़ चुका है कितना, 1 पॉइंट। और क्वेश्चन कह रहा है कि दाम कम होने के वजह से अब वो व्यक्ति 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। मेरे हिसाब से दाम कम होने के वजह से खपत में 4 से 5 की वृद्धि हो गई, मतलब कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा, मेरे हिसाब से 1 पॉइंट। और क्वेश्चन कितना कह रहा है, तो 5 किलो, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 किलो की। खपत में इंक्रीमेंट हो चुका है, चीनी के दाम में 20% कम हो जाती है, दाम 5 से 4 हो गया, जिस कारण एक व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। हे खपत तेरे में रिलेशन क्या होगा, तो 4 से 5 हो गया। खपत बढ़ कितना गया, तो खपत 4 से 5 होना मतलब 1 बढ़ जाना। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलो बढ़ गया। क्वेश्चन क्या पूछा अंतिम जाकर कि बताओ चीनी की आरंभिक खपत क्या थी। तो पहले की खपत ध्यान दें, पहले ये था और पहले का खपत आपका 4 यूनिट था, अब का खपत कितना है, तो 5 यूनिट है। 1 पॉइंट की वैल्यू 5 किलो है, तो अब का नया खपत बोलोगे तो 5 गुना 5 25 किलो हो जाएगा। और पहले का बोला इनिशियल खपत, तो इनिशियल देख लो, इनिशियल कंजप्शन कितना होगा, तो पहले का जो कंजप्शन था वो 4 पॉइंट था, तो 1 पॉइंट की वैल्यू जब 5 किलो निकल कर आ गई है, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौक 20 केजी। तो आरंभिक खपत कितना था, तो 20 किलो। तो 20 केजी इज द आंसर। तो आरंभिक खपत कितना निकल कर आ गया, तो 20 किलो इज द आंसर। 20 किलो 20 केजी इज द आंसर, 20 किलो। फिर से देखो ध्यान से बच्चा, मन मन में समझेंगे प्यारे दोस्तों, चीनी का दाम 20% कम हो गया। 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, तो दाम 5 रुपए से 4 रुपए हो चुका है। तो दाम अगर 5 से 4 हो चुका है, तो खपत क्या हुआ होगा, 4 से 5 हो गया। खपत में वृद्धि कितने की हुई, तो खपत में वृद्धि 1 पॉइंट की हुई है। कौन कह रहा है खपत तो 5 किलो बढ़ गया, दाम कम होने से खपत 5 किलो बढ़ गया। मेरे हिसाब से खपत 1 पॉइंट बढ़ गया, क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलो, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 5 किलो। तो पहले का खपत कितना होगा, तो 1.5 का, तो 4 पॉइंट कितना होगा, तो 5 चौक कितना, 20 किलो पहले का खपत था। और अब का खपत कितना, तो 5 पंजे 25 किलो हो जाएगा। तो पहले का खपत पूछता तो 20 और अब का पूछता तो 25। उसने पहले का पूछा तो इनिशियल कंजप्शन 4 पॉइंट था, 1 पॉइंट बराबर 5 किलो, 4 पॉइंट कितने हो गया, 20 किलो। अगला क्वेश्चन ये है सीजीएल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे सीजीएल में टकराते हैं, देखो ध्यान से। और ये इस बार के वाई ग्रुप में, प्रीवियस वाई ग्रुप जो गया है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी। आप लोगों ने जो नवंबर महीने में वाई ग्रुप का पेपर दिया उसमें ये क्वेश्चन टकरा चुका है, तो इसे ध्यान से करेंगे। सोनू सल्होत्रा तार कमंड पढ़ जाता हो, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एकदम ध्यान से समझेंगे। ये कंसेप्ट गाड़ दो, ये कंसेप्ट गाड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में टकराने वाला कंसेप्ट को गाड़ दो इस क्वेश्चन को। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, 25% दाम बढ़ रहा है, 25% कितना होता है, तो 25% 1/4 होता है और दाम बढ़ रहा है बोला। तो भैया ये पहले की बात हो रही है और ये अब प्रेजेंट की बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। पेट्रोल का दाम 25% बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 25%, तो भैया जो दाम है या मूल्य है वो 1/4 बढ़ गया, मतलब 4 रुपए से पेट्रोल का दाम कितना हो चुका है, 5 रुपए हो गया।
पेट्रोल का दाम 4 से 5 हो गया, तो उसका जो कंजप्शन होगा, पेट्रोल की जो खपत होगी वो क्या होगी? तो भैया मैंने देखा कि जब भी पेट्रोल का दाम बढ़ता है दोस्तों, तो आप उतने ही रुपए में कम पेट्रोल खरीदते हो। तो दाम अगर 4 से 5 हुआ तो उसकी खपत कितनी होगी? 5 से 4। एकदम प्यार से समझेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है। हमेशा के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हो, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा के लिए ये क्वेश्चन अपना बना लो। किसी चीज के दाम में और उसके खपत में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, अगर आप उतना ही पैसा खर्च करो। कह रहा है कि पेट्रोल का दाम 25% बढ़ गया, मतलब 1/4 बढ़ गया। दाम 4 से 5 हो गया तो खपत 5 से 4 हो गई। खपत क्या हुआ? देखो ध्यान से, खपत जो 5 लीटर था, अब वो कितना हो गया? 4 हो गया। खपत में क्या हो गई? तो कमी हो गई। कितने की कमी हुई? तो खपत में जो कमी आई है वो 1 पॉइंट की कमी आई है। और क्वेश्चन कह रहा है कि खपत में जो कमी आई है वो 4 लीटर की कमी आई है। एक व्यक्ति 80 रुपए में 4 लीटर कम खरीदता है, 80 रुपए लेकर हमेशा जाता था, आज भी 80 रुपए लेकर गया। किसी ने पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि भाई साहब 80 क्यों लाया? मैं बोला क्यों, 80 का तो भरवाता हूं। बोला भाई साहब न्यूज नहीं सुन रखा क्या? पेट्रोल का दाम क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। दाम बढ़ गया 4 से 5 तो उसकी खपत कम हो गई, धक्का लग गया उसको चोट। मेरे हिसाब से खपत 1 पॉइंट कम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि उस कारण उसका खपत 4 लीटर कम हो गया, तो 1 पॉइंट = 4 लीटर हो गया। तो जो 1 पॉइंट = 4 लीटर हो गया, तो यात्रीगण ध्यान दे, जब 1.4 का आ गया तो पहले उसका खपत कितना था? तो 5 पॉइंट था। 1.4 का है तो 4 × 5 कितना? पहले वो 20 लीटर का खपत करता था, ये उसकी आरंभिक खपत निकल कर आ गई। और जब 1.4 का है तो अब का खपत कितना होगा? तो अब का खपत कितना? 4 × 16 लीटर हो गया, ये अब का खपत हो गया। फिर से ध्यान दे, मन मन में ध्यान दे, दाम 25% क्या हो गया? बढ़ गया। 25% बढ़ना मतलब 1/4 बढ़ना। दाम 4 से 5 हुआ, खपत 5 से 4 हो गया, खपत हो गया धड़ाम से गिर गया, खपत में कमी आ गई कितने की? 1 यूनिट की। क्वेश्चन क्या, कमी आ गई कितने की? 4 लीटर की। 1 पॉइंट = 4 लीटर है, तो पहले का खपत 4 पंजे, ये पहले है, पहले का खपत 4 पंजे 20 लीटर और अब का खपत 16 लीटर। क्वेश्चन, पहले का खपत बोलता मैं 20 लीटर बोलता, अब का खपत बोलता तो 16 लीटर बोलता। इसने ये पूछा कि फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस एंड दी फाइनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस देखो, ओरिजिनल प्राइस ये मार्केट, ओरिजिनल प्राइस ये मार्केट 80 रुपए लेकर जाता था और पहले ये 20 लीटर पेट्रोल खरीदता था। तो पहले का दाम कितना? 80 रुपए में 20 लीटर मतलब पहले का दाम 4 रुपए प्रति लीटर। और प्रेजेंट प्राइस देख लो, इसी 80 रुपए में कितने लीटर आ रहे हैं? तो 16 लीटर। तो अब का दाम कितना हो गया? तो 5 रुपए प्रति लीटर। तो आंसर क्या आएगा? पहले का 4 और अब का 5, तो 4 और 5, 4 और 5 आंसर क्या हो गया? ए। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सही से देखेंगे, आंसर कितना आ गया? ए। ठीक है, तो 4 से 5। फिर से बच्चा ध्यान दो, बच्चा एकदम प्यार से ध्यान देखेंगे, हमेशा के लिए देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा, ध्यान से समझना। पेट्रोल का दाम 25% क्या हुआ? बढ़ा था। 25% बढ़ना मतलब 1/4 बढ़ना। दाम 4 से 5 हुआ, खपत 5 से 4 हो गई होगी। दाम अगर 4 से 5 हुआ तो उसकी खपत क्या हो गई? 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। खपत में कमी कितने की आ गई? तो 1 पॉइंट की। क्वेश्चन कितना कह रहा है? कम कितना खपत हो गया? तो वो व्यक्ति अब 4 लीटर कम खरीद रहा है। 1 पॉइंट = 4 लीटर। पहले का खपत तो 4 × 20 लीटर, अब का खपत तो 4 × 16 लीटर। तो पहले मैं 20 लीटर लाता था, अब मैं 16 लीटर 20 लाऊं चाहे 16 लाऊं, मैंने कभी भी 80 रुपए से एक्स्ट्रा पे ही नहीं किया। 80 रुपए में 20 लीटर पहले आता था तो पहले का दाम 4 रुपए प्रति लीटर, और उसी 80 रुपए में अब 16 लीटर आ रहा तो अब का दाम कितना हो? तो 5 रुपए प्रति लीटर। सेम क्वेश्चन हूबहू है, हूबहू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन हूबहू, उड़ाओ बच्चे से, उत्कर्ष देखो अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को। बच्चा ध्यान से समझो, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा इसमें। एक्सेस का ट्रेडिशनल मेथड वो ना करके आपको मैं फिर से बताता हूं, ध्यान देना। पहले क्वेश्चन को पूरा समझो, डेली लाइफ से कनेक्ट करो,
तभी होएगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे, बहुत खतरनाक चपाट लगेगा। कंसेप्ट गैदर करो, है ना, कंसेप्ट गैदर करो। कंसेप्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा जिसमें मैंने उस पिछले वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बता दिया, चार क्वेश्चन एग्जाम में कोई एक पूछेगा, मैं सारा चीज खोल के दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से, चीनी का दाम 20% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च करके 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का दाम हो गया कम, इसलिए एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद। जाहिर सी बात है कि कभी भी दाम कम होगा तो ज्यादा ही आएगा। मार्केट ये 100 रुपए लेकर जाता था, ये बोला दाम कम हो या ज्यादा हो मैं इतना ही लेके जाऊंगा। 100 रुपए लेकर मार्केट जाता था, चीनी का दाम कम हो गया तो पहले से ज्यादा खरीद लाया चीनी। कितना ज्यादा ले आया, तो 5 किलो ज्यादा ले आया। तो मुझे चीनी का वर्तमान एवं प्रारंभिक दर निकालना, ठीक है। अब ध्यान देना इसको, मैं ऊपर करके इसको ध्यान से प्यार से देखोगे, ध्यान से बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे। चार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वरना हो जाएगा आपके साथ धोखा। चीनी की कीमत 20% की कमी हो गई, 20% कम हो जाना मतलब 20% कम होना मतलब 1/5 कम हो जाना। तो भैया ये पहले की बात है आरंभिक, और ये अब प्रेजेंट की बात है नया। दाम 20% कम हो गया मतलब जो दाम पहले 5 रुपए था अब वो दाम कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। इतना क्लियर होगा, इतना तो सबको क्लियर है। इतना भी अगर बेसिक क्लियर नहीं है तब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दाम अगर 1/5 कम हो गया तब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 1/5 कम हो गया मतलब 5 से 1 कम होकर 4 हो गया। अगर बढ़ गया बोला होता तो यहां मैं प्लस करता, 5 से कितना गया, 4 हो गया। ये दाम की बात है मतलब मूल्य की बात है। दाम अगर 5 से 4 हुआ है तो उसकी खपत में कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, बोला हाँ। दाम अगर 5 रुपए से 4 रुपए हो गया तो खपत जो होगा वो 4 से कितना हो गया होगा, 5 हो गया। तो खपत उसकी बढ़ गई। किसी चीज की दाम कम होती है तो उसकी खपत बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से उसका खपत बढ़ा कितना, तो खपत बढ़ गया कितना, 1 पॉइंट। और क्वेश्चन कह रहा है कि उतने ही 100 रुपए में वो 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। मैंने बोला इधर आ भाई, कैसे खरीद लिया तू एक्स्ट्रा, बोला भाई साहब चीनी का दाम कम हो रखा। मैं बोला अच्छा कितना लेकर जाता था, तो बोला भाई साहब 100 लेकर जाता था, आज भी 100 लेकर गया था, लेकिन आज मुझे 5 किलो एक्स्ट्रा मिल गया। मेरे हिसाब से उसकी खपत कितनी बढ़ गई है, 4 से 5 मतलब 1 पॉइंट बढ़ गया। क्वेश्चन कह रहा है उसका खपत कितना बढ़ गया, तो 5 केजी, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 5 केजी आ गई। क्वेश्चन बनते हैं 4। मैंने जानबूझ के इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटैच करेगा। तो खपत 4 से 5 हो गया, तो खपत में वृद्धि कितने की हो गई, 1 पॉइंट की। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलो, पहले का खपत कितना था, 4 पॉइंट। जब 1.5 किलो का है तो 4 पॉइंट कितने का होगा, तो पहले का जो खपत था वो 20 किलो आया। ये पहले का खपत निकलकर आ गया, और 1.5 किलो का है तो नया खपत कितना होगा, तो 5×5=25 किलो। तो अब का खपत कितना होगा, 25 किलो। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि पहले का खपत क्या होगा, तो 20 किलो। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अब का खपत कितना होगा, तो 25 किलो। तो खपत आ गया, पहले का 20 किलो आ गया, अब का 25 किलो आ गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे कि ये बताओ कि भैया, ये नहीं बताओ कि खपत कितना किलो है, तो खपत 20 किलो और अब 25 किलो, दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का वर्तमान एवं प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान दर देखिए भैया, वर्तमान दर और प्रारंभिक, वर्तमान में मार्केट 100 रुपए लेकर जाता है और वर्तमान में 25 किलो लेकर आता है। 100 रुपए में अगर आपको 25 किलो मिल रहा है तो वर्तमान दाम कितना हुआ, तो 4 रुपए प्रति किलो। ये मत सोचना ये 4-5 है, इत्तिफाक है। अगर ये 200 कर देता ना तो यहां पर फिर 8 हो जाता, अगर 1000 कर देता ना तो फिर 40 हो जाता। वर्तमान में 100 रुपए में 25 किलो मिल रहा है, तो हर किलो का दाम कितना हो गया, 4 रुपए। और पहले का दाम देखो, पहले भी वो मार्केट 100 रुपए ही लेकर जाता था, और पहले कितना किलो लाता था, 20 किलो, तो पहले का दाम कितना भैया, तो 5 रुपए किलो। तो आंसर क्या हो गया, पहले का 4 और अब का 5, तो 4 और 5 इज द आंसर, 4 और 5। तो आंसर इज 4 और 5। तो पहले का 4 और अब का 5, पहले का 4 और अब का 5, 4 और 5, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से, रेशियो बनाना है, ये काम मन मन में करते हैं। अब देखो ध्यान से, मन मन में करते हैं, टफ है ना, मन मन में अगर हो गया तो टफ नहीं है।
अगर मन मन में नहीं हुआ तो ट्रिक फॉलो करेंगे हम। ध्यान देना, भैया यहां कह रहा है कि चीनी का दाम 20% कम हो गया। अब हाथ देखो, 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, मतलब 5 से कितना हो गया 4, तो खपत कितना होगा 4 से 5 हो गया होगा। खपत अगर 4 से 5 हुआ तो खपत में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 पॉइंट का। क्वेश्चन कह रहा 5 केजी, 1 पॉइंट बराबर 5 केजी, तो 5 चौक पहले 20 किलो और अब 1 पॉइंट बराबर 5 है तो 5 पंजे 25 किलो, तो पहले 20 किलो और अब 25 किलो। मैं बोला कितना लेकर जाता था, बोला भैया 100 रुपए। 100 रुपए में 20 किलो पहले लाता था तो पहले का दाम 5 रुपए और अब का वर्तमान में 100 रुपए में 25 किलो आ रहा है तो कितना हो गया 5 रुपए। फिर से देख लो, दाम 5 से 4 हुआ, दाम में 1/5 की कमी हो गई, तो दाम 5 से 4 हुआ तो खपत 4 से 5 हो गई। खपत कितना बढ़ गया, इस बंदे का खपत बढ़ गया 1 पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा 5 किलो, 1.5 केजी का, तो पहले का खपत 5 चौक 20 केजी और अब का खपत कितना हुआ आपका 25 केजी। 100 रुपए में 20 केजी तो पहले का दाम 4 रुपए में, उसी 100 रुपए में आज के डेट में 25 किलो तो अब का दाम 5 रुपए। इसे मत लिख देना, ये नहीं है, ये इत्तेफाक था कि 4 और 5 आ गया। अगर 100 ना बोलकर अगर 300 बोला होता तो यहां 12 रुपए हो जाता, 12 और 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन उड़ाएं, देखते हैं कितने लोग खतरनाक हैं, कितने लोग उड़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को। उड़ाएं इस क्वेश्चन को फटाक से। क्वेश्चन को हलवा नहीं, क्वेश्चन की कंसेप्ट, क्वेश्चन को हलवा तो बना देते हैं क्योंकि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो यही हलवा नहीं होगा दोस्तों, वरना ऐसे क्वेश्चन ये बड़े लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है, वाई ग्रुप में पटक दिया है इस बार नवंबर में, नवंबर 2020 के क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखो इस बात का, कैसा भी थप्पड़ मार सकता है एग्जाम। तो भाई साहब गाल मजबूत करके थप्पड़ मारे, बोला एक दूसरा गाल कर देना, भाई साहब हम तो तैयार बैठे हैं, हम नहीं हारने वाले। देखो ध्यान से, ध्यान दो बच्चा, रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। भैया ये पहले की बात हो रही है और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 20%। हे 20% तू कितना है, तो 20% कह रहा है मैं तो 1/5 हूं, दाम कम हुआ है तो माइनस कर दिया। तो बच्चा प्राइस देखो, किसी चीज की प्राइस 1/5 कम हो रही है, मतलब प्राइस 5 रुपए से प्राइस कितना हो गया आपका 4 रुपए हो गया, सिंबल बना दिया। जब प्राइस 5 से 4 हुआ तो उसका कंजप्शन क्या हुआ होगा, तो उसका जो कंजप्शन होगा वो 4 से कितना हो गया होगा 5 हो गया होगा, खपत बढ़ गई होगी। किसी चीज की दाम जब कम होती है तो उसकी खपत बढ़ जाती है, तो खपत बढ़ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन कैन परचेस 6 केजी मोर फॉर ₹1200। अरे किसी चीज का दाम कम होने से एक व्यक्ति 1200 रुपए में, उसी 1200 रुपए में, इनने 1200 लेकर जाता था 1200, इसने 1200 को चेंज ही नहीं किया, बोलता था 1200 का चीनी देना भाई साहब, 1200 का आज भी लेने गया, पता लगा कि दाम कम हो गया, इसने बोला जो बच गया उसका भी तौल दे, या तो पैसा वापस ले सकते थे, किसी चीज का दाम कम होगा तो पैसा वापस ले लो, इनने बोला क्या करना पैसे का, कल फिर आना है तो एक काम कर इसका भी तौल दे भाई जा। दाम 20% कम हो गई, मतलब 1/5 कम हो गया, तो अगर दाम अगर 1/5 कम हो गया है तो मतलब दाम 5 से 4 हो गया तो खपत 4 से 5 हो गई। तो मेरे हिसाब से जो उसकी खपत है वो कितनी बढ़ गई है, तो खपत बढ़ गई 1 पॉइंट, और क्वेश्चन कह रहा है इसका खपत जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 6 केजी। तो पहले का खपत कितना है, तो पहले का खपत इसका 4 पॉइंट है, जब 1.6 केजी का आ गया तो 4 पॉइंट कितने का होगा, तो 6 चौक 24 खपत 24 केजी। तो आपसे अगर पूछे कि इनिशियल कंजप्शन क्या है, तो बोलना कि पहले वो 24 किलो खरीदता था और अब नया खपत कितना है, तो 1 पॉइंट अगर 6 केजी का, तो 5 पॉइंट कितने का 30 केजी। ध्यान रखो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ये बने मेरे 2 क्वेश्चन, पहले का खपत कितना तो 24 केजी, अब का खपत कितना तो 30 केजी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द प्राइस, न्यू प्राइस एंड द इनिशियल प्राइस। तो न्यू प्राइस देखो बच्चा, न्यू प्राइस मतलब प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य ध्यान दो, दुकान पे वो जाता था 1200 रुपए लेकर और वर्तमान में वो 30 किलो चीज खरीद रहा है, तो नया दाम कितना हुआ, तो भैया 40 रुपए प्रति किलो ये नया दाम निकल कर आया। 1200 रुपए में आज के डेट में उसको 30 किलो चीज मिलती है,
1200 रुपए में 30 किलो, मतलब 1 किलो का दाम कितना हुआ? 40 रुपए प्रति किलो। और पहले का दाम मतलब इनिशियल प्राइस देखना है अगर, या ओरिजिनल प्राइस देखना है, तो कैसे? इसी 1200 रुपए में पहले वो कितने किलो खरीदता था? तो 24 किलो। तो 1200 रुपए में 24 किलो, मतलब पहले का दाम कितना हो गया? तो 50 रुपए प्रति किलो। तो पहले का दाम 40 और अब का दाम 50। चार चार क्वेश्चन बने यहां से। पहले का खपत 24 किलो, अब का खपत 25-30 किलो, पहले का दाम 1200 रुपए में, 1200 रुपए में पहले 24 किलो आता था, तो पहले का दाम 50 रुपए, अब का दाम 1200 रुपए में 30 किलो आ रहा है, मतलब 40 रुपए। तो चार चार क्वेश्चन बनते हैं, चार बड़े क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक है? तो 40-50 है ना, 40-50 बोल दो, चाहे 50-40 बोल दो। पहले का दाम कितना हुआ आपका? पहले का दाम उसका हो गया 50 रुपए, अब का दाम कितना हो गया? 40। तो आंसर क्या होगा? पहले का 50 और अब का कितना हो गया आपका? 40। 50-40 बोल दो, है ना, या 40-50 है ना, आपको ये तो दिख रहा है ना। खैर, पूछा क्या उसने? फाइंड द न्यू प्राइस, न्यू प्राइस पूछा, तो न्यू प्राइस कितना उसका? न्यू प्राइस उसका 40 है, तो 40-50 आंसर होगा, ठीक है? 40-50 इज द आंसर, 40 और 50। खैर, एग्जाम में हॉल में ये चीज दे रखा है, तो इसे मार देना आप, है ना। खैर, 40 और 50 निकल कर आएगा, ठीक है? ये निकल कर आ गया। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहे, देखो, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? आखिरी क्वेश्चन उड़ाए बच्चों, खतरनाक तो आप लोगों दोस्त। प्रेजेंट प्राइस को इनिशियल, शबाब समझ लेना क्या क्या दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है, इनिशियल दे रखा है ना, उस हिसाब से कर देना, 40-50 या 50-40 उस तरीके से, फिर वो नन ऑफ दिस नहीं देगा ऑप्शन, है ना। ड्यू टू एन इंक्रीज इन 50% द प्राइस ऑफ एग, 4x legs आर अवेलेबल फॉर ₹24। अंडे का दाम बढ़ गया, तो अब 24 रुपए में कम अंडे आ रहे, तो प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर दर्जन इज, तो प्रति दर्जन अंडे की कीमत क्या होगी? ठीक, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में पहले से 4 अंडे कम मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अंडा अगर बढ़ जाएगा तो आपको 24 रुपए में उतना अंडा तो मिलेगा नहीं। ध्यान दे यात्रीगण, ये भैया पहले की बात हो रही है, ये भैया अब की बात हो रही है। भैया आपको मिल जाएगा पीडीएफ अभी, होमवर्क का अभी अपलोड हो जाएगा, थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में अपलोड हो जाएगा, उस सारे होमवर्क को फोड़ देना आप। भैया इनने क्या बोला कि भैया ड्यू टू इंक्रीज इन 50% दाम 50% बढ़ गया, 50% बढ़ जाना मतलब दाम 1/2 बढ़ जाना, इसका मतलब दाम जो होगा पहले, अगर 1/2 बढ़ जाना मतलब 2 रुपए से दाम कितना हो चुका है? 3 हो चुका है, रेशियो है ये, मैं सिंबल लगा दिया। तो दाम अगर 2 से 3 हो गया तो उसकी खपत क्या हुई होगी? उसकी खपत या फिर कंजप्शन जो हुआ होगा वो 3 से कितना हो गया होगा? 2 हो गया। अंडे का दाम 2 से 3 हो गया तो अंडे की खपत धड़ाम से गिर गई। तो खपत में क्या चेंज आया? तो मैं बोल सकता हूं कि खपत में क्या आया, तो खपत में परिवर्तन कमी हो चुकी है, तो खपत 2 से 3 से 2 हो गया, इसका मतलब खपत कम हो चुका है, कितना? 1 पॉइंट कम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना खपत कम हो गया? तो 4 अंडे कम मिल रहे, जो अंडे मिलते थे अब कम मिलने लग गए। दाम 2 रुपए से 3 रुपए हुआ अंडे का, तो खपत 3 से 2 हो गई, खपत कम हो गया, कितना कम हो गया? 1 पॉइंट। क्वेश्चन कितना कह रहा है? तो 4 अंडों की खपत, 4 अंडों की कम हो गई है। जब 1.4 अंडों के बराबर हो गया तो 3 पॉइंट पहले का खपत देखो, तो इसका मतलब पहले का जो खपत था 12 अंडे लाता था पहले में, उतने ही रुपए में 12 अंडे आते थे, और अब का खपत कितना? तो 1.4 का है, तो 2 पॉइंट कितना होगा? तो 4 × 2 = 8 अंडे आते हैं वो। क्लियर है भाई? पहले 12 अंडे आते थे, अब 8 अंडे आते थे, 4 अंडों की खपत कम हो गई। पहले का पूछेगा तो 12 अंडे बोल देना, आपका पूछेगा तो 8 अंडे बोल देना। क्वेश्चन पूछ क्या रहा आपसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड दी प्रेजेंट रेट ऑफ एग, प्रेजेंट। तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, ये प्रेजेंट तो है नहीं, इसको मत निकालो। 1 पॉइंट कितने का हो गया? तो 1.4 अंडों का। खपत कितना कम हो चुका? तो 1 पॉइंट कम हो चुका है।
क्वेश्चन कितना कह रहा है, तो चार अंडे। भैया फिर से देख लो ध्यान से, भैया दाम अगर 2 से 3 हो गया तो खपत कितना कम हो गया, तो खपत में कमी 1 पॉइंट की आ गई। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंडों की कमी हो गई। क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट रेट बताओ, प्रेजेंट तो ये है, जब 1.4 का है तो 2 पॉइंट कितना होगा, तो भैया 1 पॉइंट जब 4 का है तो 2 पॉइंट कितने का, 8 अंडा, तो वर्तमान में 8 अंडा आ रहा है। कितने रुपए में, तो उसी 24 रुपए, मार्केट तो मैं 24 ही लेकर जाता था, उसी 24 रुपए में, पहले से पहले 24 रुपए में 1.4 तो 4 12 अंडे आते थे, अब 24 रुपए में 4 2 8 अंडे आते हैं। तो प्रेजेंट रेट देख लो भैया, 24 रुपए में अगर 8 अंडे आते हैं, अगर 24 रुपए में 8 अंडे आते हैं, तो एक अंडे कितने रुपए के हो गए, 3 रुपए। प्रेजेंट रेट निकल गया भैया। फिर से देखो ध्यान से भैया, एकदम बारीकी से देखो, बिल्कुल भी एकदम डेली लाइफ से कनेक्ट करो। ये बंदा हमेशा 24 रुपए लेकर जाता था, दाम बढ़ गया, अब 24 रुपए में उसको उतना नहीं मिलेगा, अब 24 रुपए में वो 4 अंडा कम खरीद रहा है। दाम 50% बढ़ना मतलब दाम 1/2 बढ़ जाना, दाम 2 रुपए से 3 रुपए हो गए, दाम अगर 2 रुपए से 3 रुपए हो गया तो खपत 3 से 2 हो गई। मैंने सर पकड़ लिया, हाय राम, मेरे अंडे कमाने लग गए मुझे, जो मुझे अंडे मिलते थे पहले से अब अंडे कम मिलने लग गए, पहले 3 मिलते थे तो अब 2 मिलने लग गए, कितने कम मिले, तो मेरे हिसाब से अंडे 1 कम मिल रहे। क्वेश्चन कह रहा 4 अंडे कमा रहे, तो 1 पॉइंट बराबर 4 अंडा आ गया, तो पहले 3 पॉइंट अंडा आता था, तो 1 पॉइंट अगर 4 का था तो पहले का खपत 3 × 4 12 अंडे आते थे, अब कितने आ रहे हैं, तो 4 × 2 8 अंडे आ रहे। अब का इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसने प्रेजेंट रेट पूछा है, उसने वर्तमान पूछा है, वर्तमान कीमत, तो वर्तमान तो ये है 1.4 का, तो 4 × 2 8 अंडे आ रहे, कितने रुपए में, तो 24 रुपए में, उसी 24 रुपए में अब 8 अंडे आ रहे, तो 1 अंडों का दाम कितना होगा, 3 रुपए, तो 3 रुपए करके अंडा आ गया, 3 रुपीज पर एग करके आ गया, हर एक अंडा 3 रुपए का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर दर्जन, प्रति दर्जन कितना अंडा का दाम आएगा। अरे जब एक अंडा 3 रुपए का है तो एक दर्जन अंडा कितने का होगा, तो एक दर्जन अंडा कितने का होगा, एक अंडा जब 3 रुपए का है तो एक दर्जन अंडा कितने का होगा, 36 रुपए का। तो 36 इज द आंसर, 36 वुड बी द आंसर, तो 36 रुपए इज द आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत यूजफुल है बच्चा, अनिल गुज्जर बहुत ज्यादा यूजफुल है, हर CHSL, दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे, NTPC, ठीक है, वाई ग्रुप, नेवी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक सब जगह। ये पहला क्लास था, सिर्फ पहला क्लास था, इसके क्वेश्चंस मैं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप PDF देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था परसेंटेज का, ऐसी टाइप वाइज लेकर चलेंगे। आज पहला टाइप, आज हमने 2 टाइप देखा, एक परिवर्तन वाला और दूसरा प्राइस और कंजप्शन वाला। मिलते हैं कल से फिर से रात को 8:30 बजे 2 नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।